क्या है ये जो पकड़ा गया है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ का रहने वाला है, बताएंगे कुछ? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा एवं थाना वेब सिटी की टीम द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें दो वांछित अभियुक्त जिन पे पूर्व में 20-20 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था, उनको मदुरई तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह जो है, जो मोबाइल टावर विभिन्न राज्यों में लगे हुए हैं, वहाँ से रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य उपकरण चोरी किया करते थे तथा इस माल को कबाड़ियों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इनका एक संगठित गिरोह है। जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उनके कब्जे से 3 रेडियो रिसीवर यूनिट और एक जो है मोबाइल टावर की बैटरी बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। ये कहाँ से उतारे गए हैं और इनको कहाँ से गिरफ्तार करा गया? इनकी गिरफ्तारी मदुरई तमिलनाडु से की गई है और जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, दिल्ली NCR, यूपी में, बिहार हो गया, इधर राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा मतलब इतने स्टेट हैं जहाँ पे इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। इस गैंग में अगर देखा जाए तो कुल 14 सदस्य थे, जिनमें से पूर्व में 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है, दो सदस्यों की आज गिरफ्तारी हुई है, 3 सदस्य अभी बच रहे हैं। पूछताछ में जो अभियुक्त है शाहिद मलिक ने बताया कि वो कबाड़ी काम करता है और इसका संपर्क सरफराज से हुआ, जो मोबाइल टावरों से और रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य उपकरण चोरी करके इसको देता था। शाहिद मलिक द्वारा जो है उक्त माल को जो है अपने साले को मोहसिन को दिया जाता था और मोहसिन के संपर्क में जो है दूसरा जो अभियुक्त नूर मलिक उर्फ नूरू गिरफ्तार हुआ है उसको देता था, जिसके द्वारा जो है वो अपने जीजा को दिलसाद को देता था। इस तरह इनका पूरा एक संगठित गिरोह है और इसमें अभी 3 अभियुक्त बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें ऑलरेडी गठित हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है। ये क्या कारण है कि सभी गिरोह जो चोरी करते हैं सब कबाड़ी का काम करते हैं, ये किस तरह से करते हैं? नहीं, इस गैंग में 14 सदस्य हैं, इसमें कुछ कबाड़ी वाले भी हैं, कुछ चोर भी हैं, क्योंकि जो चोरी करते हैं वो माल जो है कबाड़ी सप्लाई करते हैं और छोटा कबाड़ी जो लेता है वो बड़े कबाड़ी करता है, धीरे धीरे माल जो है आगे जाता है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आगे कार्रवाई यही हो रही है, इसमें जो 3 अभियुक्त बचे हैं उस पर काम चल रहा है। अगर इनके अपराधी के इतिहास के बारे में देखा जाए तो दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जो है एक एक मुकदमे पंजाब में और दो दो मुकदमे गाजियाबाद में जेल भेजेंगे। जेल भेजेंगे। ओके।